उनके गोदाम किसके बन गए वहाँ पे? मतलब कानून बनने से पहले देश में गोदाम बन जाएंगे? ये अडानी वही तो है जिसके जियो का फोन आया था, फिर में दिए थे अडानी का, नहीं जियो का, और किसका? अंबानी का, हाँ वही तो फिर दिए थे पहले, तो फिर क्या रहा? क्यों रो रहे हो? सर मोदी सरकार है जो जितने भी वो कानून अब तक लेकर आई है, जो हाँ। फैसले लिए हैं, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, तीन तलाक हो, 370 हो, 35 हो, किसान कानून हो, किसी पे भी जो मोदी सरकार है बैकफुट पर नहीं आई है, क्या अच्छा? लगता आपको? हाँ, हम कहाँ कह रहे कि बैकफुट पर आना चाह, आना नहीं चाहता, सरकार बड़ी चीज हो, अब क्या कोड़ी भर रखी बैकफुट पे, किसान भी नहीं आने का। तो सर उससे फिर वही तो कह रहे हैं कि अरे इसे लेकर गंगा जी में कूद देंगे, जो उनसे भाई ठीक रहेगा अपना बच जाओगा, कोड़ी भर रखी छोड़ नहीं, तो एक किसान पर तो तिरना हुए। लेकिन सर वो दो मिनट लोग को जब कुएं में पानी चढ़ता था तो फुटबॉल खोलता था, दो मिनट की प्रैक्टिस है उसे, इसे सरकार को तो है नहीं। लेकिन सर वो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। हाँ तो ठीक है भाई, देख लेंगे, कोई बात नहीं, छप्पन का सीना बताते हैं सर। हाँ ठीक है, अच्छा क्या यहाँ कुश्ती लड़ दी? सर आपने कई बार कहा इस बात को कि प्रधानमंत्री को एकदम सामने नहीं आना चाहिए, हाँ। इसके पीछे क्या बात है? लोग तो कह रहे प्रधानमंत्री आए और बात करें। अरे उसके और मंत्री संतरी को बागडोर से बात कहाँ, बागडोर किसी और के हाथ में भी दे देनी चाहिए, मंत्री तो बहुत हैं। तो मंत्रियों से तो बात हो ही रही है सर, आपके साथ दौर की बातचीत होगी, कहाँ रिजल्ट? अरे निकल जाएगा रिजल्ट, इतनी देर कहाँ होगी, मैं दिल्ली का पता ही अभी चला, इतनी बढ़िया दिल्ली है, इसे छोड़ के क्यों जा, ये तो और महीना 10 दिन चला गया आंदोलन दिल्ली में। किसान तो शहीद हो रहे हैं। अरे किसान तो भाई तो शहीद हो रहे, तो जवाब सरकार को देना है, जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, जब उसमें दर्ज होगा किसान शहीदों के चार्ट बनेंगे यहाँ पर, तो सरकार तो जवाब देगी। तो क्या सर जो किसान शहीद हो रहे हैं आप सरकार से कोई डिमांड कर रहे हैं इनके मुआवजे इनके कुछ नहीं? उनको करना चाहिए पूरी कमेटी का, अब ये है कि सरकार उन पर ध्यान दे, अभी तो सरकार मान ही नहीं रही उनको, ना कोई जवाब दे रही। सर इन कानून एक सवाल, इन कानूनों को लेकर आपका हाँ। जो भी आपकी टिप्पणी आपका जवाब आता है मीडिया के द्वारा, जब आप बात करते बहुत से लोगों के कमेंट्स ही आते हैं, वो पूछते हैं कि राकेश जी जब भी प्रवक्ता के नाते बात करते हैं मजाक अंदाज में बात करते हैं, कभी सीरियस होकर उन्होंने बताया नहीं कि ये नुकसान है, क्योंकि जैसे सरकार बता रही है फ़ायदे, उनके प्रवक्ता हाँ। बता रहे हैं फ़ायदे, आपने कभी बात ही नहीं करी, आप तो ये कहते हैं फ़ायदे गिना, तो आप ये क्यों नहीं कहते कि ये नुकसान है, आप खुलकर बताएं लोगों को। मॉल में चलो मेरे साथ और उधार जाइए सामान, अगर वो दे दे मक्का का रेट आप पता चलेगा आपको, जाकर ले आओ। तो ये समझ में नहीं आ रही जनता की कि इससे क्या होने वाला है, ये उस दुकानदार की समझ में आ रही जो दुकान जो शहर के कोने पर दुकान करता है, जो 50 लोगों को उधार सामान देता है, वो जो बच्चा वहाँ पर जाता है उसको देख के बता देते ये उस घर से बच्चा आ रहा, और उसके जो माँ बाप है एक पर्ची लिख कर दे दें कि इसको दो बिस्कुट के पैकेट और ये दे दो वो दे दो, और उसको उधार देते हैं, जब उसको तनख्वाह मिलती है तो महीने में उसका हिसाब होता है, उसकी समझ में आ रही है। मॉल में तो आप उधार दे कर चले जाओ, अगर आपको एक रुपये का सामान उधार दे दे तो क्या देश में मॉल सिस्टम जाना चाहते हैं? क्या देश में 4.5 करोड़ लोग वे हैं कि जो रेहड़ी पटरी पर अपना गुजारा करते हैं, साप्ताहिक बाजार लगाते हैं, जो आज खुदरा बाजार करीब 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास का वो बाजार है, उसको मॉल के हवाला करना चाहते हैं? क्या 4.5 करोड़ लोग वे सड़कों पर धक्के खाएंगे? जो टिक्का और बिंदी जो 2.5-2.5 रुपये में संदूर हमारी बहनें लेकर जाती है, क्या उसको मॉल से खरीदेगा वो 250 रुपये की डब्बी? ये आंदोलन तो उनका है। तो सर दो ऑप्शन दे रही है ना सरकार आपको, सरकारी मंडी भी रहेगी और प्राइवेट भी रहेगा इसमें। अच्छा तो बिहार के तो फिर बहुत प्रोग्रेस कर जाना चाहिए था, बिहार तो फिर आप लोग को नंबर एक पर जाना चाहिए। हर फील्ड में पिछड़ रहा है सर। हाँ एजुकेशन में तो नहीं पिछड़ रहा। हाँ सर एजुकेशन तो टफ होता जा रहा है। एजुकेशन तो बहुत नीचे आ रहा है सर। अच्छा उनके अधिकारी कितने हैं? उन्होंने पूरा धंधा छोड़ के, जब खेती ये सब कुछ छोड़ के उन्होंने पढ़ाई को चुना, उन्होंने आ रहे हैं ना उनके अधिकारी। पढ़ाई तो एक ऐसी चाबी बताई जाती है जिसका विकास की चाबी, तो फिर विकास क्यों नहीं हुआ बिहार में सर? मैं कह रहा हूँ ना कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत होता तो फिर तो बिहार बहुत ऊपर जाना चाहिए था। सर ये सर पूरा किसान आंदोलन है, इस किसान आंदोलन का 2022 के चुनाव में कुछ असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश में? यहाँ क्या कोई चुनाव लड़ रहा,
हमें क्या पता क्या पड़ेगा, सारे किसान तो वोट देते हैं ना। अरे जब देखेंगे जब आओगे भाई। सर आप जो है 2018 में भी यहाँ आए थे विरोध करने के लिए आए थे, उस टाइम जो हुआ आपको पता है, और यही चीज लोग कह रहे हैं कि अभी भी जाएंगे सब भूल जाएंगे, सब नॉर्मल हो जाएगा जैसे पहले हुआ था 18। हम क्या कोई वोट की बात कर रहे हैं भाई? नहीं वोट की बात नहीं, आप अपनी मांगों के लिए आए थे, मांगी नहीं थी ना, किसके लिए आए थे आप बताइए? 2018 में आए थे ना। और नहीं माननी तो जब उसी का तो रिजल्ट है जो अब फिर और तो आगे अब क्या जाल लग रहे हैं, पहले भी चले गए थे ना कोई ऐसा? हाँ नहीं अब क्या नहीं जाने के, अब क्या पूरा हिसाब किताब पक्का करके जाएंगे, 2018 वाला भी जाएंगे। अच्छा हाँ पक्का करके जाएंगे। लेकिन सर सरकार कह रही है कि हम कोल्ड स्टोर बनाएंगे जाकर गांव-गांव छोटे एरिया में, कोल्ड स्टोर से तो फायदा है ना सर किसानों को? अच्छा उनकी फसल रख जाए करेगी, आलू है खराब नहीं होगा रख जाएगा, ठीक है तो बना लेंगे। मैं क्या मैंने कर रहा हूँ बना लो, कहाँ बनाने दे रहे हैं? नहीं ना आप तो आंदोलन कर रहे हैं, कानून को कह रहे हैं बना ले भाई, हम तो यहाँ बैठे बना लेने का, हम कोल्ड स्टोर बना ले। सर इस पूरे किसान आंदोलन में दो उद्योगपति बहुत सुर्खियों में आ गए हैं, अडानी और अंबानी। अच्छा अंबानी अडानी कह रहे हैं कि हमको बदनाम किया जा रहा है, हमने कोई जमीन नहीं लिया किसानों की, ना कोई हमने उनका अनाज खरीदा है, तो FCI से हमारा कॉन्टेक्ट है। तो कर लो कॉन्टेक्ट, कैसा उनका? उनको सर काफी कोसा जा रहा है पूरे किसान आंदोलन में उनका, अब है उनके गोदाम किसके बन गए वहाँ पे, मतलब कानून बनने से पहले देश में गोदाम बन जाएंगे। ये अडानी वही तो है जिसके जियो का फोन आया था, फ्री में दिए थे अडानी का, जियो का अंबानी, और किसका? अंबानी का। हाँ वही तो फ्री दिए थे पहले, तो फिर क्या रहा, क्यों रो रहे हो? तो सर व्यापारी हैं, उनका काम है वो आगे से अपनी चीजें बढ़ाएं, कैसे वो स्टोरेज रखें बढ़ाएं, इसमें दिक्कत। हम भी तो किसान हैं, आप अपनी खेती करते हैं, हम भी तो किसान हैं, तो आप पहले ही जुतवा के डाल देते हैं बारिश होगी तो फायदा हो जाएगा। हाँ वैसे ही वो भी अपना व्यापार, देखो व्यापारी क्या है कि उसको अगर यहाँ से देश का अनाज बाहर भेजने में फायदा होगा तो देश की जनता भूख से मर जाए, वो अनाज बाहर भेज देगा सारा। अगर उसको फायदा ही रहेगा कि बाहर से अनाज जाने में फायदा है तो बाहर से अनाज ले आएगा, उसको ये लगा कि ये शहर ठीक नहीं, वो शहर बदल देता है, सर ये तो वो व्यापार बदल देता है, ये तो प्रक्रिया अभी भी हो रही है। लेकिन किसान अगर खेती कर रहा है, जिस खेत में वो हल जोतने जाता है, वो तो बीज बगा के 4 महीने तो उसका इंतजार करता है, और अगर 10 साल तक भी उस खेत में फसल नहीं आएगी तो 11वें साल भी वो उसी खेत में हल जोतने जाएगा। तो किसान न अपना व्यापार बदलता, न अपना गाँव बदलता, किसान वहीं रहता है उसी खेत में इंतजार करता है। आपको आधुनिक बनाना, बनवा देंगे यहां से जाकर बनवाऊंगे, आधुनिक बनाने तो आ रहे सरकार को आधुनिक बनाना है रे, हम ये कहीं के लिए आ रहे और किसान सरकार आपको किसानों को आधुनिक, हाँ तो हम आधुनिक तो बनाना है रे, हम क्या कहीं जा रहे, सारी टेक्नोलॉजी सीख कर जाएंगे उनसे। अच्छा एक आखिरी सवाल, अब 4 तारीख को आप जाएंगे? हाँ 4 में जाएंगे। क्या लगता है कितने आप सरकार की तरफ से है कि ये जो है सारा जो आपके 2 पॉइंट रह गए हैं उस पर सिर्फ बात करके आ जाएंगे या कुछ हल निकलेगा? बात होगी, बात ही होगी या कुछ हल निकलेगा? बात होगी, हल नहीं निकलने वाला है, उम्मीद नहीं है, नहीं है उम्मीद ना। कब तक डटे रहना फिर? हम क्या कहीं जा रहे हैं, हम तो अपने गेहूँ बो के आगे 20 अप्रैल तक का तो हमारा टारगेट है, सिंचाई भी करनी है उनकी। अरे हो जाएगी भाई, सब हो जाएगी।